हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। हम लोग भी बिल्कुल मस्त हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। सो आई एम बैक, तो गणपति बप्पा मोरिया। तो ये हमारे सोसाइटी में गणपति बप्पा जी को रखा गया था और उनका विसर्जन ढाई दिन बाद हो चुका था, पर मैंने सोचा एक छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर दी जाए और इसको एक अच्छे नोट से शुरू किया जाए। तो सारे के सारे बोलो गणपति बप्पा मोरिया, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया, और कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदा वर्जे, वड़कम, और क्या यार, केम छो, और क्या की खबर यार, और भी अगर आपको पता है ना, हेलो हाय अलोहा, और क्या, बस अभी मुझे फिलहाल ये आता है। अगर आपको और हेलो वाले वर्ड्स पता है वैसे मैं गूगल कर लूंगी, लेकिन हमेशा दिमाग से उतर जाता है यार, गाइस मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। सो वेलकम फैमिली, वेलकम हमारे चैनल पे वापस स्वागत है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप सब कैसे हैं। मैं भी बहुत मस्त हूँ, मेरे हबी जी भी बहुत मस्त है, एक नंबर टना। और गाइस आज है, अब तो आज तो थर्सडे हो गया, मतलब थर्सडे की रात के 12 बज रहे हैं, तो मतलब वेनसडे अभी पास हुआ है, तो वेनसडे हम पास करके थर्सडे पहुंच गए हैं। और ये ब्लॉग जो है मैं रात में भी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि रात में शुरू कर रही हूँ क्योंकि बस यूं ही मन किया, मैंने सोचा आपसे बात करते हैं, थोड़ी बहुत हालचाल करते हैं। और कल गाइज हम लोगों ने ना, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ कल ना, कल क्या था, ट्यूजडे था ना, हाँ, तो ट्यूजडे को हम लोगों ने स्विगी से, मैं नाम बताती हूँ, टेस्टी चाप कॉर्नर, ठीक है, वहां से हम लोगों ने ना मोमोज ऑर्डर किए थे। तो हम लोगों ने सोचा नए टाइप के मोमोज ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा स्टीम या तो फ्राइड मोमोज खाते हैं, ठीक है, हमें वैसे ही पसंद है। तो हमने सोचा कि थोड़ा नया टाइप का चाप स्टाइल का खाते हैं। तो एक हम लोग ने पनीर चीज चाप मंगाया था, मोमोज चाप ऐसे, ठीक है, और एक तंदूरी था, तंदूरी मोमोज चाप, ठीक है, जो तंदूरी मोमोज चाप था, अरे गजब, क्या बताएं, क्या गजब था, मतलब खा के ड्रैगन बनना बन जाओ तो बात है, हम जैसे लोग तो पक्का ड्रैगन बन जाएंगे, नाक से ऐसा धुआं निकल रहा था, कुछ कह नहीं कर, हमारे हबी जी के तो नाक मुंह जगह से धुआं निकल रहा था, तो मतलब जहर था वो, बिल्कुल बहुत बकवास था, उतना मजेदार नहीं था टेस्ट में। जो चीज वाला था वो फिर भी बेयरेबल था, क्योंकि उसमें चीज पड़ा हुआ था तो उतना स्पाइसी नहीं लग रहा था, लेकिन मतलब बड़ा बेकार सा एक्सपीरियंस था, उतना मजा नहीं आया ना। खाना जब सेटिस्फैक्ट्री ना हो ना तो रूह जो कांप सी जाती है, फिर लगता है यार लाइफ में कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। मेरे साथ ऐसे ही होता है, आपके साथ होता है ऐसा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आप कभी दिन में अगर आप खराब खाना खा लो तो आपको रात में नींद नहीं आती, ऐसा होता है आपके साथ? मेरे साथ होता है, तो उसका सोल्यूशन मेरे लिए क्या है, मैगी खा लेती हूँ, बस आत्मा तृप्त हो जाती है, पेट तृप्त हो जाता है, बस खुश हो जाते हैं हम। तो हमारी जिंदगी का यही रहस्य है मस्त वाला। और कल जो हम लोगों ने मोमोज ऑर्डर किए थे ना, उसकी क्लिप में डाल दूंगी, उसका भी वीडियो मैंने शूट करा था कल, तो हम लोगों की थोड़ी बहुत झलक कल की भी मिलेगी आपको, तो कल मतलब ट्यूजडे की। और ये हो गई हमारी वेंसडे थर्सडे ब्रिज, दोनों का कुछ ना कुछ मिलनसार वाला दिन। तो आज हम लोगों ने डिनर भी जल्दी कर लिया था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में नहीं खाना खाया था, बस नाश्ता टाइप का किया था, तो हम लोगों ने डिनर भी जल्दी कर लिया। तो डिनर में हम लोग ने खाए, क्या खाया हम लोगों ने, अजवाइन की पूरी और आलू बैंगन टमाटर की सूखी सब्जी और राइस और दाल, मस्त सिंपल फुल फ्लेजेड खाना। हबी जी को ये सब फुल फ्लेजेड खाना लगता है, तो चलो ठीक, हमारे लिए भी वही है, पर सिंपल खाना है। मुझे लगा अजवाइन की पूरी खाए बहुत टाइम हो गया, वरना रोटी वोटी खाते हम लोग, तो इसलिए मैंने बना दिया। हमारे हबी जी अभी रात में मूवी लगा रहे हैं, अमेजोन प्राइम पे एक मूवी आई है, कोई हॉरर मूवी है, क्या नाम है, रेक्ट है कुछ ऐसा ही है, कुछ है ऐसा नाम, तो शायद वो मूवी हम लोग बैठ के देखेंगे और रात में डरेंगे बस, देखते हैं। एंड गाइस पता है क्या हुआ, द रेस्ट, मुझे सही याद था, तो
ये वाला स्क्रीन दिखाओ ना, ये वाली स्क्रीन दिखी भी ठीक से, ये देखेगा यार पता नहीं कितना दिख रहा है आपको, तो ये है अभी जी से हेलो करना है, हेलो बस ठीक है, मुलाकात होगी इतना ही आएंगे वो। अरे आदमी लोग मतलब ही होते हैं एक नंबर के, ठीक है उनके काम में उनकी हेल्प करा दो, पर हमारे काम में जैसे ही पड़ेगा ना कट लेंगे एकदम बाजू से, ठीक है जितना कम करना पड़ जाए, तो रियलिटी तो ये वाला है चीजी पनीर तंदूरी मोमोज, चीजी पनीर, तो इसके अंदर कुछ मेयो वेयो है टाइप से शायद, ऐसे वाले ये स्पाइसी कम होगा, इससे कम है लेकिन ये तंदूरी है, इसमें प्याज है, टेस्टी है, नहीं तो मैं तीन नंबर दे रहा। किसको तीन नंबर दे रहा स्पाइसी वाले, चीजी पनीर, चीजी पनीर, चीजी पनीर तंदूर मोमोज को, और ये वाला 2.5 नंबर डिफरेंस। हाँ और है देखो एक नंबर होता है प्रेजेंटेशन का, अब वो हम रख नहीं सकते क्योंकि पैक होके जिस तरह से आ रहा है हैंडलिंग वगैरह, एक नंबर होता है टेस्ट का, टेस्ट इज गुड जो मिल गया, एक नंबर होता है आपके पैलेट को सूट करना, तो बहुत ज्यादा नहीं सूट कर रहा स्पाइसी मेरे को नहीं पसंद, आधा नंबर वहाँ। ये पता कहाँ से ऑर्डर किया था मैंने, टेस्टी चाप, एक टेस्टी चाप कॉर्नर है तो वहाँ पे सिर्फ चाप्स मिलते हैं, मलाई चाप, तो सोया चाप और ये सारे चाप चाप मिलते हैं, और जो मोमोज भी बनाते हैं लोग चाप जैसे बनाते हैं, मतलब प्लेन मोमोज है ही नहीं उनके पास स्टीम्ड वाले, तो वहां से मैंने सोचा ट्राई करते हैं। और गाइस ये हम लोग का आज का स्विगी का जो है हमने ऑर्डर किया था, जिसे हम गरम और माइक्रोवेव करके खा रहे हैं गाइस, कुछ केयरलेसनेस नहीं है, हमने जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि हम बड़े प्रिकॉशनरीज हैं, ठीक है बड़े वाले डरपोक और प्रिकॉशनरीज दोनों हैं, तो इनको मिल गए हैं 3.5, ये जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है चीजी वाले, और ये जो तंदूरी वाले हैं इनको 2.5, नहीं वो 3 दिया था आपने ना, 3.5 नहीं 3 दिया था, 3 तो एंटी ग्लेयर जरूर लगाया करिए अगर आपका काम है लैपटॉप पे पूरे टाइम बैठ कर ढका 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 ढके 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 करना, तो आप एंटी ग्लेयर जरूर लगाइए, बाकी हम जैसे चश्मिश लोग तो कुछ कर नहीं सकते, हमें तो जरूरत ही पड़ती है, हमारी तो जिंदगी उस पर निर्भर है, वरना सब कुछ धुंधला दिखता है हमें, तो बस यही है हिसाब किताब, छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। गाइज हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको बताओ, वैसे काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, थैंक यू सो मच इतने लवली कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू सो मच, वीडियो पे कमेंट करिए गाइस, जैसे मैं अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती हूँ, फेसबुक पे शेयर करती हूँ, तो जब भी आपको कमेंट करना हो तो प्लीज वीडियो पे जाके कमेंट करें, फेसबुक पे कमेंट करना है तो करिए, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, पर वो वीडियो पे भी जाके कमेंट करिए, और काफी लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू करूंगी जितना हो पाए, ठीक है जितना ज्यादा मैं व्लॉग्स बना पाऊं मैं जरूर बनाऊंगी आप लोगों को। श्राद्ध का महीना चल रहा है अभी, श्राद्ध स्टार्ट हो गया ना, अगले हफ्ते से, अभी नहीं शुरू हुआ, पता नहीं श्राद्ध शुरू हुआ है कि नहीं, एक बार चेक करो ना इस पर अपने अरे अपने व्यूअर्स को गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे दूं मैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि श्राद्ध क्या होता है या पितर पक्ष क्या होता है, तो जितना मुझे पता है मैं उतना बता देती हूँ, भाई मुझे भी बहुत डिटेल में ना पता है, लेकिन श्राद्ध या पितरपक्ष जो महीना होता है वो उस महीने में कोई भी होली काम, कोई भी नया काम, कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो पूर्वज होते हैं जो गुजर गए हैं हमारे साथ, आज से शुरू है ना, मतलब थर्ड से, सेकेंड से शुरू, सेकेंड सेप्टेम्बर से, हाँ तो सेकेंड सेप्टेम्बर से शुरू है, तो 17 तक है, तो उसमें क्या होता है जो पूर्वज जो हमारे साथ नहीं है तो उनकी पूजा होती है या उनको रिस्पेक्ट पे किया जाता है, तो
इस वजह से ये जो मंथ होते, ये जो दिन होते हैं, इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करते हम अपने पूर्वजों को, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मतलब यही बेसिक जिस्ट है जो भी है। आई डोंट नो, अलग अलग कल्चर्स में इवन जो सेम रिलीजन है, सेम रिलीजन में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीजें होती हैं। तो बस ये एक ऐसा टाइम माना जाता है जिसमें कोई शुभ काम नहीं होता। जादू जादू बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, क्या हो गया, ये सरक नहीं रही है, देखो नहीं सरक रहे। अमेजिंग, मजा आ गया। ये सब चीजें कैसी होगी ना, मतलब ये सब अभी भी देखकर इतनी मतलब आश्चर्य होता है यार। मैग्नेट उसके बारे में पढ़े हैं हम लोग स्कूल में, लेकिन उसके बारे में कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन करी है हम लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी देखकर इतना आश्चर्य लगता है कुछ कुछ चीजें। बड़ा क्यूट सा है, नाइस ना। तो जो मिडिल क्लास आदमी होता है ना, उसके शौक भी मिडिल क्लास होते हैं जितने, तो शौक भी पूरे करिए। मतलब ज्ञानवाणी ज्यादा हो रही है तो कोई ना, चलता है। तो शौक भी पूरे करिए और मजे में रहिए, लाइफ का यही एक फंडा है। और मैं सोच रही हूँ मैं अपने व्लॉग्स जो है गाइस शाम को पोस्ट करूं, मतलब 5-6-7 ऐसे टाइमिंग्स पर। आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये मतलब आइडिया ठीक लगता है शाम में पोस्ट करना, मुझे बताइएगा जरूर। आई डोंट नो, आज बड़ी टूटी अटपटी सी नींद थी मेरी। सुबह 7 बजे उठे थे हम, ठीक है, और फिर 11 बजे फिर हम टपक गए, ठीक है, कि अभी सो लेते 1 घंटा और, तो 1 घंटा और सो गई मैं, फिर काम वाम शुरू किया। लेकिन हाँ, मतलब बड़ी अटपटी सी नींद थी, भगवान जाने। तो गाइज ये वो छोटा सा छोटा मोटा सा ब्लॉग है, आई होप आप सबको पसंद आए। अगर पसंद आ रहा है, हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो क्या करना है आपको, आप जानते हैं, सही पकड़े हैं, बिल्कुल हमेशा सही पकड़ते हैं आप। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। अगर वीडियो देख रहे हैं यार गाइस तो लाइक कर दो ना, लाइक तो बनता है, लाइक में क्यों कंजूसी करना। सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे और आइडियाज बताइए आप इस चैनल पे कौन से और वीडियोस देखना पसंद करेंगे, कोई स्पेसिफिक मेकअप ट्यूटोरियल या किसी चीज लाइफस्टाइल के बारे में कोई वीडियो बन जानी है तो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आपसे फिर मिलती हूँ विद अ न्यू व्लॉग एंड अ वीडियो। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी एट होम, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। बहुत ज्ञानवाड़ी हो गई। तो इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक आपसे लेती है अलविदा, और फिर मिलेंगे हम। सायोनारा, लव यू लोड्स, बाय।